हाल है भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत, बहुत 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 मेरा भी, क्योंकि मैं पूरे महीने के बाद आया हूँ, महीने से ऊपर शायद। माफ़ करना, बहुत ज़्यादा माफ़ कर चुके वैसे तुम लोग। बहुत बिजी था भाई, नहीं आ पाया था, ट्यूटोरियल नहीं बना पाया था। बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये बातें तो हमेशा की हैं। बा तो आज हम बनाने वाले हैं प्लांट फ्लोंट, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब छोटे मोटे प्लांट, जैसे ये। ट्रिक बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या मॉडल करो, क्या मॉडल करो, मॉडल करो दिखाओ, ठीक है? तो बढ़ते हैं। छोटा सा छोटा सा छोटा सा एक मॉडल उठाते हैं। देखो ये तो बहुत छोटा है। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू। देखो ये बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, मैं तुमको बताता हूँ। शुरू करता हूँ वैसे तो, इसको हम रखते हैं सामने पहले, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, 7 पे आके टॉप पे आएंगे, टॉप पे आएंगे और शिफ्ट टेस्ट करेंगे कर्सर टू सेंटर और बोलेंगे प्लेन ले ले। एक टैप पे जाएंगे, छोटा एक्स पे करेंगे, लंबा खींचेंगे और इसको डाल देंगे आगे, ठीक है जी? ये आ गया, इसको और छोटा कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं इसे, हम एक ब्लेड बना रहे हैं फिलहाल अभी, अभी हम कुछ और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक? ये सबसे बेसिक तरीका है प्लांट प्लांट कुछ भी बनाने का। इसको इसको पकड़ो, इसको लंबे डाल दो, ठीक है? और एस और एक्स शेप दो, 1 पे आओ, 3 पे आओ, अब इसको दे दो शेप, पकड़ो सारा, उठाओ और छोड़ो, डी सेलेक्ट करो, उठाओ और छोड़ो, डी सेलेक्ट करो, उठाओ और छोड़ो, डी सेलेक्ट करो, उठाओ और छोड़ो। एक कर्व दे रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, उठाओ और छोड़ो। ओह उठाओ उठाओ और छोड़ो, उठाओ और छोड़ो, उठाओ और छोड़ो, उठाओ और छोड़ो, ठीक है? देखो ये बन गया, 1 पे आ गया, फिर मैं सब कुछ पकड़ा, मैं कर्सर पे आ गया, इसको मैंने घुमा दिया, ज़्यादा नहीं घुमाया, इसको डी सेलेक्ट किया फिर घुमा दिया, 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 डी सेलेक्ट किया फिर घुमा दिया। इसको पूरा पकड़ा, इसको आगे शेप देनी है बस, और शेप ही दे जा रहे हैं हम, और हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है? ये आ गया, अब इसको पकड़ो, वापस उस पे आ जाओ, बड़ा करो, इसको पकड़ो बड़ा करो, इसको पकड़ो बड़ा करो, इसको पकड़ो बड़ा करो, इसको पकड़ो छोटा करो, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी शेप, तुमको क्या निकालनी है। बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो, इसको छोटा करो, छोटा छोटा, अरे छोटा, ठीक है? क्या करने का, बहुत ही सिंपल चीज़, शिफ्ट ए एक डालो एम टी प्लेन एक्सिस, यहाँ पे नहीं, इसको डालो कर्सर टू सेंटर और सिलेक्शन टू कर्सर, सिलेक्शन टू कर्सर, ठीक है? इसमें डालेंगे हम अरे अरे का, और इसको ऑफ करो, ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जाओ और इसको पूछो एम टी तेरा नाम क्या है, एम टी तेरा नाम क्या है, MT001, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, MT001 को पकड़ो, ठीक है? अब चमत्कार, बढ़ा दिया नंबर, खूब सारे बढ़ा दो, एम टी को घुमाओ, एम टी को थोड़ा सा ऊपर करो, स्केल करो और घुमा दो। एक तो ये है बहुत बेसिक तरीका, और इससे जो आपको मैश मिलेगा, दैट इज़ जो आपको लुक एंड फील मिलेगी, वो मिलेगी बहुत बेसिक, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगेगा देख के कि अच्छा अगले ने सेटिंग करी है और
थोड़ा वेरिएशन लाया और थोड़ा चीज़ें गए, इतना वेरिएशन तक इसमें आ जाएगा। इसके आगे जाने के लिए आपको जो ये सेटिंग है ये अकेले मतलब एज इन लीफ बाई लीफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक बनाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। इसको पकड़ा और अप्लाई मार दिया, फिर क्या करो, आ जाओ वन पे आओ और कर्सर टू कर दो, कर्सर टू सेंटर पे है और मार दो फुल स्टॉप, कर्सर पे आ जाओ, नीचे करो, एल और घुमाओ, छोटा करो, एल एल और घुमाओ, सेट करो अपने हिसाब से, एल और घुमाओ, नीचे कर दो, एल और नीचे कर दो, छोटा करो, एल और फिर इसको नीचे करो, इसको छोटा करो, समझ रहे हो। ऐसे करते करते इसको छोटा करो और इसको नीचे करो, थोड़ा और बड़ा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें क्या चाहिए, और छोटा कर देता हूँ। फिर इसको पकड़ो, नीचे घुमाओ, थोड़ा और नीचे ले आओ, ठीक है, छोटा करो, छोड़ दो, इधर करो, इधर पकड़ो, इधर ले आओ, छोड़ दो, इधर पकड़ो, इधर करो, इधर ले आओ, छोड़ दो, देखो आज नॉर्मल सा एक फ़ोन आ जाता है। अब तुमको नीचे की मोटाई रखनी है तो इतने मतलब ढंग से मॉडल होंगे, मैं तुमको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, मैं तुमको मॉडल करना बताने का, ठीक है। मस्त इस पर दे दो एक शेडर छोटा सा, मैं साइकिल्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक इस पर नॉर्मल सा मैं एक ग्रीन कलर दे देता हूँ, ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर मैंने दे दिया। मैंने अपनी लाइट ऑन करी और हम एंटर मारेंगे तो देखो दूर से गए तो कुछ पता नहीं लगेगा, है ना। चल तुम और भी कर सकते हो क्विक इलाज, इसको पूरे को पकड़ो, हमने वो कोलैप्स तो कर ही दिया, इसको मैं डिली मार देता हूँ क्योंकि हमको सिर्फ यही चाहिए। क्या करो, शिफ्ट डी कॉपी, शिफ्ट डी को उसको घुमा दो, स्केल कर दो, तो तुम्हारे पास और झुंड सा बना हुआ आ गया, इसको नीचे स्केल कर दो, फिर एक और शिफ्ट डी कर दो, बड़ा कर दो, तो ये जो तुम्हारा झुंड है ना ये और बढ़ गया। एंटर मारोगे तो देखो अब तुम्हें बस इसके अंदर जाके तुम्हें क्या करना है कि तुमको अगर नीचे वाला मोटा तना करना है वन पे आओ, फाइव पे आओ, वन पे आओ, इसको सबको डी सेलेक्ट करो, डी 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 डी, ठीक है, एस पे और इसको बड़ा करो, वो एकदम मतलब जुगाड़ मार रहा हूँ मैं तो, पर फंडा यही है, ठीक है। ये तो है बहुत बेसिक प्लांट। अब इसी में तुम क्या कर सकते हो, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, दूसरी लेयर पे हम आ रहे हैं, और तुम क्या कर सकते हो कि एक प्लेन एक और ऐड करो, ठीक है, इधर आओ, शिफ्ट एस कर्सर टू सेंटर, इसको उठा के मैंने इधर ले आया, ठीक है। इस पर डालता हूँ मैं एक टेक्सचर, जो कि टेक्सचर है ये नहीं, टेक्सचर है ये, ठीक है, इसको मैं पहले अनराप कर देता हूँ, यू और अनराप, आ गया क्या, वेरी नाइस, यू और अनराप, टेक्सचर देखें कैसा आ रहा है इस पर, इसे मटेरियल तो डाल दें, लीफ मटेरियल ये है, पड़ा हुआ है, देख लेना, मैं फाइल दे दूँगा तो अपने आप चेक कर लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो मैं रेंडर ऑन कर देता हूँ तो ये पत्ता हमारा ऐसे आ रहा है जो कि हमको ऐसे नहीं चाहिए है, हम इसको खींचेंगे, इसके जितना लंबा करेंगे ताकि वो बुरा सा ना लगे, और एडिट मोड पर ही रह के फिर से मारेंगे अनरैप, ठीक है, छोड़ देंगे। अच्छा हमारा अनरैप यहाँ से एंड हो रहा है, तो एक बार अगर हम देखें हमारा रेंडर कैसा है, तो हमारी ये हमारा शुरुआत होनी चाहिए और ये हमारा एंड होना चाहिए, दैट इज़ ये बीच में आना चाहिए, तो इसको इसको एस एक्स में माइनस वन, तो हमारा अब जो है ये जो डंडा है वो नीचे आएगा और इसको हम जी और एक्स इधर फेंक सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एंटर मारेंगे तो हमारा ये पत्ता मस्त आ रहा है, ठीक। अब पत्ता ऐसा फ्लैट तो होता नहीं है, मैं इसका टेक्सचर ऑन मटेरियल ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। पत्ता ऐसा फ्लैट तो होता नहीं है, देखो दूर से देखोगे तो पत्ता फ्लैट लगेगा, फ्लैट नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, हमें इसको एडिट में जाएंगे और हम डालेंगे तीन चार कट बीच में, ठीक है। उसी तरह से फिर हम इधर आएंगे, इसको पूरा पकड़ेंगे और इसको घुमा देंगे,
इधर आओ, इसको कॉमा डाल के बीच में आ जाओ, इसको घुमा दो, बीच में आओ और घुमा दो, बीच में आओ और घुमा दो, बीच में आओ और घुमा दो, इसको पकड़ो और इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं, ये घूमेगा नहीं, ये हमारा पूरा पत्ता एक आ गया, ठीक है। फिर क्या करो, एक और बीच में डाल दो। उसके हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला पार्ट है, जैसे जो हमारा ये पत्ता है, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऑल टाइम और सेंटर पे ख़त्म, इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तो क्या होगा, एक गोलाई सी आ जाएगी पत्तों में, जैसे होती है ना, शिफ्ट जी शिफ्ट वाई, इसको ऊपर, इसको ही पकड़ो, जी शिफ्ट वाई और ऊपर, जी शिफ्ट वाई और ऊपर, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, जी शिफ्ट वाई और ऊपर, जी शिफ्ट वाई और ऊपर, इसको भी तुम बीच में लाके कर सकते हो ऑल टाइम और सेंटर में ख़त्म। अच्छा, तुम्हारा ड्राफ्ट बिगड़ रहा है, नीचे से ड्राफ्ट बिगड़ा नहीं तो ऊपर करो, ना तो हो गया। और इसमें एक काम करो, इसमें डाल दो एक तुम सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर, सब डिविजन सरफेस, ठीक है ना। ओहो, हमारा ये टेक्सचर थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया था, तो इसको हम थोड़ा जुगाड़ कर देते हैं। क्या करते हैं कि के दबा के और ये और ये और ये, एंटर। ख़राब तो हो ही गया पर ठीक है, ठीक है, ये हमने इसको छोड़ दिया। क्या करेंगे अब, इसी को पकड़ेंगे फिर इस पर डालेंगे, अरे एक डालेंगे शिफ्ट ए और एक ऐड करेंगे एम्प्टी और प्लेन एक्सेस, इसका नाम चेक कर लेंगे क्या है, एम्प्टी 001। फिर इसको पकड़ के अरे डालेंगे, अरे डला हुआ है, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफिसर, इसको ऑन करो, एम्प्टी 001 पकड़ो, इसको बढ़ा दो और जो एम्प्टी है उसको घुमा दो, तो तुम्हारे पास ये पूरा तुम्हारे पास फर्न बना हुआ है। हल्का सा ऊपर करोगे और इसको छोटा कर दोगे और घुमा दो वेरिएशन देने के लिए, तो तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा घुमा चुका हूँ, तो ये देखो ये है। अब अगर मैं इस पर आता हूँ और एंटर पर आता हूँ तो ये मेरा फ़ोन है, देखो, है ना, मस्त। और फिर तुम इसे वही कर सकते हो, इसको पकड़ के फिर कोलैप्स कर दो, जो तुम्हारा ये है अरे जो है, कोलैप्स कर दो, फिर इसको ऊपर नीचे खेलते रहो, सेटिंग करते रहो, तुमको थोड़ा वेरिएशन चाहिए, दैट इज़ अभी अगर तुम देखोगे तो बहुत वो है, कंसिस्टेंट है, सारे पत्ते सेम हाइट पे हैं, वैसे चल रहे हैं, तो थोड़ा इसको ऊपर नीचे तुम अपने हिसाब से करो, बाद में बिंदास, डंडी नीचे आ रही है, ठीक है। बहुत बार तुम्हारा ये भी होगा, तुमको क्लोजअप चाहिए होगा, तो तुम एकदम क्लोजअप, इस चीज़ का क्लोजअप नहीं ले पाओगे, उस टाइम पर तुम क्या करोगे, इस पर जाओगे, इसको नीचे एज अ प्लेन रखोगे और ये पूरी डंडी मॉडल करोगे, स्फेयर लेके, सॉरी सिलेंडर लेके डंडी का पूरी मॉडल करोगे, फिर इन पत्तों को प्लेन से बनाओगे, फिर तुम्हारे पास एक ऐसा एक पीस बना हुआ आ जाएगा, फिर उसको तुम फिर से वही अरे मार के तो पूरा घुमा दोगे, तुम्हारे पास वेरिएशन आ जाएगा, ठीक। ये काम तब होगा जब तुमको बहुत डिटेल में जाना है, डिटेल में एज इन तुमको पत्ता देना है एकदम पास से, कि पास से मेरा पत्ता कैसा लगेगा, डिटेल में चाहिए, तो इसलिए मैं उसको पूरा पत्ते को प्रॉपर मॉडल करूँगा और फिर इसको मैं इसको अरे की तरह स्प्लिट कर दूँगा। बेसिक प्लांट बनाने का तरीका यही है, ठीक है। अगर ये नहीं यूज़ करना तो फिर तुमको एक एक पत्ता अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बैंड का मॉडिफायर भी होता है, होता है क्या इसमें, नहीं होता, मैक्स में होता है बैंड, कर्व होता है, नहीं इसमें नहीं है, मैक्स में होता था एक बैंड मॉडिफायर, उसको पता पत्ता आराम से बैंड हो जाता था। एनी हाउ, बस पत्ते को अपने हिसाब से मूड करो, इसको थोड़ा स्मूथ दे दो, ऊपर आ जा, स्मूथ दे दो, तो अगर इसको दोनों को ऑन करो, अगर मैं कैसे रेंडर मारूं, रेंडर के लिए कैमरा नहीं है हमारे पास, शिफ्ट है, हमने बोला कैमरा आ जा, कैमरा कैमरा कैमरा, ये आ गया और इस कैमरे को हम इधर ले आए, जीरो आया, इधर आया और इसको हमने इधर करा, नॉर्मल से हमने सेट किया, कैमरा ऐसे रखा और एक रेंडर मार के देखा कि कैसा आ रहा है।
ये है आपका नॉर्मल सा एक छोटा सा फर्न जो दूर से अच्छा है, पर जैसे तुम पास जाओगे ना तुमको पता लगने लगेगा कि अच्छा ये प्लेन ही तो है। तो तुमको अगर क्वालिटी चाहिए तो तुमको मॉडल करना पड़ेगा, या तुमको अलग अलग तरीके टेक्सचर यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मेरा भी टेक्सचर एक ही है इसमें, तो मैं दो तीन टेक्सचर भी यूज़ कर सकता था, समझा। मैं तीन चार चीज़ें मॉडल करता और फिर उसको मैं घुमा देता अरे पे, या ग्रुप बना के अरे पे मैं घुमा सकता था जो भी, ठीक है। अब एक और तरीके के प्लांट होते हैं, वो होते हैं ऐसे ऐसे। इसमें तुमको एक पत्ता वही मॉडल तो तुमको करना ही है, ठीक है। जैसे मैं अभी वो बताया, मैं तुमको दिखा देता हूँ। जैसे ये था, इसकी जगह तुम टेक्सचर यूज़ कर लो तुम ये वाला, तो तुम्हारा बेसिकली मॉडलिंग मॉडलिंग जो टेक्निक है वो तो तुम्हारा वही है। सॉरी गला ख़राब है। मॉडलिंग तुम्हारा टेक्निक वही है। फिर उसको तुम क्या करोगे, उससे पहले जो तुमको डंडियाँ बनानी है, तुमको वो बनानी है ये बनानी है ये जो स्टेम है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा तरीका तो वही है कि तुम एक प्लेन बनाओ, प्लेन को एक्सट्रूड करते रहो, एक्सट्रूड करते रहो, एक्सट्रूड करते रहो। उससे अच्छा मैं एक तरीका बताता हूँ, शिफ्ट है, मैं ऐड कर रहा हूँ प्लेन, टैब दबा के सब उस पर आ गया, ऑल टाइम सेंटर, मेरे पास एक वर्टेक्स बच गया, ठीक है। तो मैं इस वर्टेक्स को मैंने एक्सट्रूड मार दिया, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, फिर मैंने फिर एक्सट्रूड मार दिया, फिर मैंने फिर एक्सट्रूड मार दिया, फिर मैं बाहर आया, फिर मैंने फिर इसको ऐसे एक्सट्रूड मार दिया, फिर मैंने ऐसे एक्सट्रूड मार दिया। फिर इन दोनों को पकड़ के मैं थोड़ा टेढ़ा ले आया, आर जी घुमा दिया, ठीक है। फिर मैंने एक और पकड़ा, फिर मैं इसको ऐसे कर दिया, फिर मैं इसको पकड़ के मैं फिर ले गया। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को क्या वेरिएशन चाहिए, मेरे को अगर प्लांट का मेरे पास रेफरेंस हो तो और अच्छा, कि जो मेरे को हाँ भाई स्पेसिफिकली ये प्लांट मॉडल करना है। तो ये सारी टहनियाँ बन गई। अब इस पर तुमको मोटापा चाहिए, मोटापा कैसे लाओ, एक मॉडिफायर होता है स्किन, स्किन मॉडिफायर डालोगे तुम्हारा मोटापा मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा, तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना कितना है। ये ट्यूटोरियल है एक, उसमें मॉडिफाइड लिस्ट में, तो मैं इस पर मेरे को आना है, तो अभी जो जितना ज़रूरी है मैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसको पतला कैसे करें, टैब पे जाओ, तुम्हारे सारे तुम्हारे वर्टेक्स तुमको मिल जाएंगे। एक वर्टेक्स को पकड़ो, कंट्रोल ए दबाओ और खींचो तानो, तो तुम्हारा ये बड़ा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। फिर कंट्रोल ए दबाओ, तो तुम अपने हिसाब से तुम अपनी सेटिंग कर सकते हो कि तुमको कहाँ पे क्या मोटा, कितना मोटा चाहिए, और कहाँ पे तुमको टहनी कितनी पतली चाहिए, ठीक है। तुम्हारी सारी टहनी बन जाएगी। फिर तुम क्या करोगे, जहाँ जहाँ तुमको पत्ता लगाना है वहाँ पर तुम मैनुअली पत्ता लगा दोगे। और मैनुअली पत्ता नहीं लगाना तो एक और ट्रिक होती है जो उसे कहते हैं पार्टिकल्स, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ भी वही मत जाओ, मैं मैनुअली लगाओ, क्योंकि तुमको बहुत सिंपल चार पाँच पत्ते तुम मैनुअली लगा ही लोगे, तुमको पार्टिकल्स वाला उसमें मत जाओ, ठीक है। वो बताऊँगा जो पार्टिकल वाला फंड है ना, बताऊँगा जब मैं पेड़ बना रहूँगा, ठीक है। तो अभी इसको जो सिंगल मतलब मैनुअली तुम जैसे जहाँ पे तुम यहाँ पे पत्ता लगाना है, फिर तुमको यहाँ पे पत्ता लगाना है, वो तुम मैनुअली बना के लगा दो। उसी ट्रिक से जो मैं जिसमें मैंने वो बताया था झाड़ी, जिससे मैंने झाड़ी बनाई थी, जो कि है ये जो जिससे मैंने बनाया था ना, एग्जैक्टली वही ट्रिक से तुमको ये पत्ता बनाना है। तो तुमको दिखाता हूँ, मैंने एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है, ये रहा देखो, ये मैंने बनाई थी उस पर स्किन मॉडिफायर से बनाई थी, उसको मैंने कोलैप्स कर दिया, मैंने एक सबसे राउंड कर दिया, फिर मैंने पत्ता बनाया उसी टेक्निक से इस टेक्सचर के साथ, और फिर उसको मैंने जगह जगह मैंने प्लेस कर दिया। तो अगर इसको तुम रेंडर करके मैं दिखाऊंगा तो मेरा ये पत्ता आता है ऐसे, ये लो ये प्लांट है। इस प्लांट में और इस प्लांट में खासा फ़र्क नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि तुमको डिटेल में कितनी डिटेल में जा रहे हो, तुमको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। तो इस तरह से तुम छोटे मोटे प्लांट बना सकते हो। जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का भी यही फंडा है। फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर तुम अरे से बना सकते हो, फिर उसको तुम बाद में ट्विक कर सकते हो, ये फ्लावर बना सकते हो, वही फंडा है, कुछ नहीं है। जो ये बीच के हैं गुड़ 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 गुड़, ये डिटेल में अगर तुमको कोई फ़ोटो मिले, एकदम अंदर की चीज़ मिलेगी फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो है ना, मैं इसको पूरा लोड कर देता हूँ दिखाने के लिए। तो क्या है, इसमें छोटी छोटी चीज़ मॉडल होती हैं, बहुत डिटेल में जाने वाली बात है, अभी वहाँ मत जाओ, मैं तो मना करूँगा। सिर्फ पेटल्स की बात करें, जैसे ये है सिंपल, इसमें एक तुमने ये बनाया और तुमने चारों को घुमा दिया, तुम्हारे पास छोटा सा फ्लावर आ गया। फिर तुमने पूरा फ्लावर का तुमने एक रेफरेंस लिया, ये देखो, इसमें ये जो एक डंडी है ना, ये अलग से बनेगी, वो झुंड बनेगा उसका, फिर एक पेटल अलग से बनेगा उसका, फिर चार पांच कॉपी होंगे, फिर जाके तुम्हारा पूरा फ्लावर आएगा।
तोड़ तोड़ के बनेंगी ये चीज़, फ्लावर ऐसे ही बनते हैं, देखो कितना सिंपल है। नॉर्मल इसने घुमा दी, नॉर्मल अरे लेके तुम घुमा दो, फिर अरे को कोलैप्स करो, फिर एक एक पत्ते को ऊपर नीचे करते रहो, तुम्हारे पास वेरिएशन आ जाएगा, तुम्हारा पत्ता अच्छा लगने, मतलब तुम्हारा फ्लावर जो अच्छा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है अच्छा है, कंप्यूटराइज नहीं लगेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि तुम टेक्सचरिंग कितनी अच्छी करते हो, तुम्हारा फ्लावर वैसे निखर के आएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक बेसिक फ्लावर और ये सब बनाने का। कुछ हो, कुछ पूछना वूछना हो तो हमेशा कमेंट के सेक्शन में पूछो, और फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ बात करता हूँ बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो को पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, ब्ला करो, डिंक करो, जो भी है सेव करो, डाउनलोड करो, जो करना करो। ठीक है, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे पेड़ बनाना, तब तक के लिए करते हैं हम टाटा। इस फाइल को कर रहा हूँ मैं सेव और डाल दूँगा लिंक नीचे डिटेल्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना और मान लेना आरएनडी अपने हिसाब से। ठीक है, तो टाटा करते हैं, बाय बाय, मौज बहार, सिया, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, बाय बाय।